हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। एंड आज मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम्स में। जैसे कि आपको पता ही है, मोहल्ला क्लिनिक की वैकेंसी निकली हुई है, एम्स, UPSC, DHS भी आने वाली है, ESIC, रेलवे, ये सारी अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं जिनके लिए मैं टेस्ट सीरीज़ लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। गोल्डन MCQs हैं जो मैंने आपके लिए अलग से इन्हें ढूंढ के यहाँ पे एक PDF बनाया है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और भी बाकी की आने वाली आगे की जो टेस्ट सीरीज़ होंगी उसको देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। तो हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन उन्होंने दे रखा है, द ट्यूमर ऑफ द हाइलिंग कार्टिलेज। जो हाइलिंग कार्टिलेज जो ट्यूमर होता है उसे क्या बोलते हैं हम? हाइलिंग कार्टिलेज का जो ट्यूमर होता है उसे हम बोलते हैं एंकोड्रोमा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंकोड्रोमा। एंकोड्रोमा एक ऐसी कंडीशन है जब हाइलिंग कार्टिलेज में ट्यूमर होता है, तो उस कंडीशन को हम एंकोड्रोमा कहते हैं। नेक्स्ट हम आगे देख लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द रिफ्रैक्टिव एरर कॉज्ड बाई द डिफ्रेंसिस इन द कर्वेचर इफ द कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड। ठीक है, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एरर आता है कर्वेचर के तो उसे हम क्या बोलते हैं? एस्टिगमेटिज्म। ठीक है दोस्तों, राइट आंसर बी है, एस्टिगमेटिज्म ये कंडीशन कहलाती है। अगले ऑप्शन पे चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, जो करेक्टली स्पेल्ड कर रखा है वर्ड को, ठीक है, उस पर जाते हैं हम। तो जो करेक्ट स्पेलिंग वाला वर्ड है वो है सी, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, एंटरप्रेन्योर इज अ राइट ऑप्शन सी इज अ राइट स्पेल्ड वर्ड। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर फोर, द टाइप ऑफ AV-AID विच इज AV-AID। दोस्तों आपको पता ही है, ऑडियो एंड विजुअल एड, जिसे हम सुन सकते हैं और देख सकते हैं, AV-AIDs। विच इज अ चीप एंड ईजी टू यूज कैरी एड दैट इज कवर्ड विद रफ खादी एंड द कट आउट्स ड्रॉइंग एंड अदर इलस्ट्रेशन आर प्लेस्ड इज कॉल्ड। जो AV-AIDs जो कि चीप है और ईजी होता है कैरी करने के लिए, तो उसका जो राइट आंसर है फ्लेनल बोर्ड। उसका बी ऑप्शन है फ्लेनल बोर्ड। ठीक है, राइट आंसर है फ्लेनल बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द डाटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज इन द कम्युनिटी असेसमेंट एक्सेप्ट। इसमें ये बोला गया है, इसमें जो चार इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कोई तीन ऑप्शन हैं जो कि ठीक है और इनमें से कोई एक ऑप्शन है जो गलत है। ठीक है, डाटा कलेक्शन टेक्निक जो हम कम्युनिटी के असेसमेंट में करते हैं, तीन ठीक है एक गलत है, तो उसका राइट आंसर है बी, ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपैरिजन ऑफ प्रॉब्लम। ये जो टेक्निक कम्युनिटी असेसमेंट में नहीं आती है तो ये आंसर ठीक है बी, बी इसका राइट आंसर रहेगा। एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं, क्लिनिकल एंटिटी वर द प्रोसेस ऑफ अबॉर्शन हैज़ स्टार्टेड बट हैज़ नॉट प्रोग्रेस्ड टू अ स्टेट फॉर्म विच रिकवरी इज इम्पॉसिबल। इसमें बोला गया है, जो क्लिनिकल स्टडीज़ होती है वहाँ पे देखा गया है कि जो अबॉर्शन की प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है बट वो प्रोग्रेस नहीं हो पाती उस स्टेट तक अभी। एंड ये बात ये कर रहा है कि वो इस स्टेट पे पहुँच जाता है जहाँ पे रिकवरी इम्पॉसिबल हो जाती है, तो उसका राइट आंसर है बी, थ्रेटेंड अबॉर्शन। ठीक है, राइट आंसर है थ्रेटेंड अबॉर्शन, जहाँ से रिकवरी इम्पॉसिबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ सेपरेशन ऑफ अ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा एक्सेप्ट। इनमें तो चार इन्होंने ऑप्शन दे रखे हैं, दिखा देती हूँ मैं, यहाँ दे रखा है। इनमें से चार ऑप्शन में से तीन ठीक है एक गलत है, एक्सेप्ट की बात करिए। यहाँ पे एक्सेप्ट का मतलब ये है कि एक को छोड़कर। ठीक है,
इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं, सडन यूट्राइन डिकम्प्रेशन, डिफेक्टिव डेसिडुआ, सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम एंड थ्रोम्बोफिलिया. द राइट आंसर इज डिफेक्टिव डेसिडुआ. ठीक है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है डिफेक्टिव डेसिडुआ. डिफेक्टिव डेसिडुआ जो है कॉज नहीं है, जिससे कि सेपरेशन ऑफ नॉर्मली सिचुएटेड प्लेसेंटा. इसका राइट आंसर है बी, डिफेक्टिव डेसिडुआ. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर टू डिलीवर द हेड इवन आफ्टर करेक्ट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हैव रेज्ड द सस्पिशन. तो इनके ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन है, उनमें से करेक्ट आंसर बताना है. तो करेक्ट आंसर है सी, कंस्ट्रक्टिंग रिंग. कंस्ट्रक्टिंग रिंग में फोर्सेप लगाने के बाद भी डिलीवर बेबी का हेड डिलीवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो आपकी रिंग है वो नैरो है, जिस वजह से फोर्सेप लगाने के बाद भी डिलीवर फेलियर आएगी. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, तो यहाँ पे लिखा है कंजेनिटल एनोमली ऑफ द हैंड इन विच देयर इज अ परसिस्टेंस ऑफ द वेबिंग बिटवीन एडजेसेंट डिजिट ऑफ द हैंड्स सो दैट दे आर अटैच टू ईच अदर, इट्स कॉल्ड. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, सिंडैक्टिलिटी. ठीक है, ये राइट आंसर है इसका. अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग. ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ठीक है, चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास, इनमें से कोई एक रॉन्ग है. ठीक है, कोई रॉन्ग है, एक एक ऑप्शन रॉन्ग है. ठीक है, और बाकी के तीन राइट हैं. तो इसका जो राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर है बी. बी, अडेप्टिव रीजंस आर दैट डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंटीग्रिटी इन द टर्म्स ऑफ गोल्स ऑफ द ह्यूमन सिस्टम. इसका राइट आंसर है. अब हम आगे बात कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ दे रखा है, विच अमंग द फॉलोइंग कैन बी सीन इन अ पार्शियल मोल. जो पार्शियल मोल में हम कौन से कंडीशन देख लेते हैं, तो उसमें राइट आंसर है ट्राइप्लॉयडी. ट्राइप्लॉयडी राइट आंसर है इसका. एंड अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सीरोलॉजिकल रिएक्शन. सीरोलॉजिकल रिएक्शन विच सेंसिटाइज द बैक्टीरिया फॉर फैगोसाइटोसिस एंड इज कॉल्ड कोएगलुटिनेशन. नहीं, इसका राइट आंसर है सी. सी इसका राइट आंसर है, ऑप्शनाइजेशन. ठीक है दोस्तों, ऑप्शनाइजेशन इसका राइट आंसर है. अब यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, अ क्लिनिकल फीचर ऑफ पेशेंट विद मेजर डिप्रेशन. ये चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कुछ तीन ऑप्शन ठीक हैं. तो उसका जो राइट आंसर हम देख लेते हैं, जो मेजर डिप्रेशन में पेशेंट के फीचर्स होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स. ठीक है, तो राइट आंसर है ए, एजिटेशन. बी, बिहेवियरल वेरिएशन एंड पैनिक अटैक. ठीक है, 1, 2, 3 हम देख लेते हैं, ए बी और डी किसमें है. तो ये राइट आंसर सी है इसका, ए बी डी इसमें लिखा है. क्योंकि जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है मेजर डिप्रेशन की, पेशेंट एजिटेट रहता है, बिहेवियर में वेरिएशन आता है उसमें, और पैनिक अटैक आते हैं उसे. ठीक है, तो ये राइट ऑप्शन है. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. यहाँ पे इन्होंने पूछ रखा है कि रिटेनिंग अ डेड फीटस इन यूट्रस फॉर अ फ्यू वीक्स. जो डेड फीटस है, बेबी है हमारे यूट्रस में, वो डेड हो गया है कुछ हफ्तों से ही वो मरा हुआ है हमारे यूट्रस में. बट कुछ हफ्तों से फीटस डेड है यूट्रस में और रिटेन है, कोई सिम्टम्स नहीं है. तो इसको जो हम बोलेंगे मिस अबॉर्शन बोलेंगे. मिस्ड, ऑप्शन सी इज राइट, मिस्ड अबॉर्शन, इट इज कॉल्ड मिस्ड अबॉर्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग. जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी विच इंटेंड टू प्रोवाइड अ यूनिफाइंग फोकस फॉर अप्रोचिंग अ वाइड रेंज ऑफ
nursing concerns and for understanding the fundamental nursing phenomena, the client's environment, health and nursing. तो किसकी थ्योरी है ये? ये जो थ्योरी है न्यूमैन्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग, इसका बी आंसर राइट है. ठीक है, न्यूमैन्स थ्योरी ऑफ नर्सिंग कहलाएगा ये. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि कंप्लीट द एनालॉजी ऑफ एनालॉजी बाय फिलिंग द करेक्ट आंसर. एनालॉजी कंप्लीट करनी है हमें करेक्ट आंसर बताकर. करेक्ट आंसर है दोस्तों सी, रेप्टाइल. रेप्टाइल इसका करेक्ट आंसर है. अब यहाँ दे रखा है अ स्ट्रिंग ऑफ बाइट्स यूज टू रिप्रेजेंट अ करेक्टर इज नोन एज. जो बाइट्स है जिसे हम यूज़ करते हैं बाइट्स, तो उसका जो कैरेक्टर है उसे क्या कहते हैं? बाइट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं. ऑप्शन सी है, यही लिखा होता है बाइट. ठीक है, बाइट्स रिप्रेजेंटेटिव इसका कैरेक्टर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. चाइल्ड एट 15 मंथ्स शो द फॉलोइंग लैंग्वेज डेवलपमेंट. ठीक है, 15 महीने का बच्चा, इनमें से जो चार है इनमें से कोई तीन जो साइंस है वो शो करता है एक्सेप्ट वन, कोई एक जो गलत है. ठीक है, इसका तो राइट आंसर है बी. ठीक है, जो 15 महीने का बच्चा है वो क्या करेगा? वो करेगा लुक एट एडल्ट वाइल कम्युनिकेटिंग. जब दो लोग बात करेंगे तो वो उन्हें सुनेगा. फॉलो वन स्टेप कमांड विदाउट गेस्टर एंड अंडरस्टैंड 100 to 150 वर्ड्स. ठीक है, एक्सेप्ट वन, इन्जॉइंग लिसनिंग दी सिंपल स्टोरीज. क्योंकि 15 महीने का बच्चा स्टोरी को सुनकर इन्जॉय नहीं करेगा क्योंकि उसे वो समझ ही नहीं आएगी स्टोरी. ठीक है, तो राइट आंसर बी है, इन्जॉइंग दी लिसनिंग टू सिंपल स्टोरी. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है द प्लेसेंटल एबनॉर्मलिटीज इन विच अ थिन फाइबरस रिंग इज प्रेजेंट एट द मार्जिन ऑफ द कोरियोनिक प्लेट वर द फीटल वेसल्स अपीयर टू टर्मिनेट इट इज कॉल्ड. राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लेसेंटा मार्जिनाटा. ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका प्लेसेंटा मार्जिनाटा रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. यहाँ दे रखा है उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू. द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रेफरेंस टू एंडोटॉक्सिन. एंडोटॉक्सिन के रेफरेंस में यहाँ पे तीन ऑप्शन ठीक है एक्सेप्ट वन. एक्सेप्ट वन जो है आंसर गलत होगा इसका, तो हमें राइट आंसर बताना है. ऑप्शन सी, दे आर हीट लेवल प्रोटीन्स. ठीक है, हीट लेवल प्रोटीन्स जो कि ये ट्रू नहीं है. बाकी थ्री ऑप्शन, ये तीनों के तीनों ट्रू है. ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, दे आर हीट लेवल प्रोटीन्स. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये रखा है द प्लेसेंटा एबनॉर्मलिटी इन विच द एक्सेसरी लोब इज डेवलप्ड फ्रॉम द एक्टिवेटेड विलाई ऑन द कोरियोनिक लीव एंड इट इज़ कॉल्ड. ऑप्शन बी, प्लेसेंटा स्पूरिया. ठीक है, इसका राइट आंसर है प्लेसेंटा स्पूरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. मिस्टर आनंद इज मेंटली इल पर्सन एंड नीड टू बी एडमिटेड इमीजिएटली एज ऑफ द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज. इन हिज केस द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एक्सेप्ट वन. तीन ऑप्शन इसमें ठीक होंगे और एक्सेप्ट वन, कोई एक गलत होगा. तो राइट आंसर हम देख लेते हैं इसका. यहाँ पे दे रखा है देखो दोस्तों, ऑप्शन सी जिसमें कि ए बी और डी ठीक है. ठीक है, ये ठीक है. ही शुड बी प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विद इन 72 आवर्स. सेकेंड दे रखा है एंड लास्ट का दे रखा है, तो ऑप्शन सी ठीक है, ए बी डी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एक्साइटेटरी अमीनो एसिड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट. ठीक है दोस्तों, तो यहाँ राइट आंसर इसका है
फेनसाइक्लिडिन, ठीक है, फेनसाइक्लिडिन है इसका राइट आंसर। अभी हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ हाइपोपैराथायरॉइडिज्म। जो हाइपोपैराथायरॉइडिज्म के जो कॉजेज होते हैं तो करेक्ट बताना है हमें क्या इसके कॉजेज रहेंगे। ऑप्शन नीचे रह गए हैं ए सी एंड डी, इसके राइट आंसर हैं डैमेज ऑफ ग्लैंड्स, ठीक है, डैमेज ऑफ ग्लैंड्स ड्यूरिंग थायरोइडेक्टमी, कंजेनिटल एनोमली ऑफ द ग्लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीबॉडी टू पैराथायरॉइड सेल्स, ये इसके राइट आंसर्स हैं दोस्तों। और वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। मेरी वीडियो में कोई भी कमी रह गई हो, कोई भी दिक्कत आई हो, तो इसके जो मिस पॉइंट्स रहे हों आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे लाइक करना एंड शेयर करना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए।